अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ कर तुम आप सारे अच्छे से रहो, खुश रहो। ये फ़ोन है रेडमी का नोट 9। आपको मैं बता दूंगा ये री लॉक क्यों आता है, इसको हम फिक्स कैसे कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये फ़ोन, चाहे आपके पास कॉलकॉम हो या एमटी की, तो अगर री लॉक का पंगा आता ना, तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं यूएमटी से कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे तो डन हो गया। रेडमी नोट 9 जो है ये एम टी की है, कॉलकॉम वो दूसरा है, ठीक है। तो कॉलकॉम को खोलना पड़ता है हमें, बैक ढक्कन खोल के ईडीएल से कनेक्ट करके तब जाके हो जाता है, ठीक है। तो एम टी के हमें खोलना नहीं पड़ता, ये देख ले, हो गया ना, यहाँ पे डन बता दिया इसने, फिर रीलॉक हो जाएगा। तो आपको मैं इसको फिक्स कैसे कर लेंगे वो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ और साथ में आपको भी समझ आ जाएगा। इसको हम जो ये रीलॉक बार बार आता है, वाईफाई कनेक्ट होता है तो बस उसी टाइम फिर आ जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से देख लेना और समझना। ये मैं फिलहाल यूएमटी पे बता रहा था आपको, अभी मैं आपको कहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो फिर रीलॉक आ जाएगा, देख लेना आप, ये देखो आ गया फिर। चलो अब अनलॉक टूल ओपन करते हैं, इसमें तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, यूएमटी में तो एक फाइल आती है, पर वो नए फोनों के लिए तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यहाँ पे हम इसको फिक्स कैसे कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक फ़ोन किया था ऐसा, उसको FMI ऑन था, रेडमी फ़ोन को, फिर मैंने उसको ये जो रीलॉक बार बार आ रहा था वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, चाहे हम सिम डालते थे तो उसको रीलॉक आता था, तो उसको मैंने ठीक किया था यहाँ पे अनलॉक टूल पे, बहुत पहले की बात है, कोई 3-4 महीने पहले। तो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कहाँ से होता है। आपको पता ही है ना, यहाँ पे पहले MTK के लिए क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद फोन कनेक्ट करना पड़ता है, इतना आपको पता। अगर कॉलकॉम हो, पहले हमें फोन कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमें क्लिक करना पड़ता है, जहाँ पे भी करना होगा, FRP या MI क्लोड या फ्लैशिंग जो भी होता है। MTK के लिए पहले टूल पे क्लिक करना पड़ता है, अगर कॉलकॉम हो पहले फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है, फिर हमें काम करना पड़ता है, इतना आपको पता ही है, ठीक है। फ़ोन फिलहाल मैं आपको शो नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर रीलॉक आ गया था, तो यहाँ पे खाली आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी रीलॉक आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एंड में हो गया था, कोई 2-4 मिनट और लगने हैं, अगर आपको आगे जाना तो आपकी मर्ज़ी है, पर आप जब समझ जाओगे ना वीडियो को, आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये रीलॉक क्यों आता है, ठीक है। तो अगर कोई दोस्त एक्सपेरिमेंट, ये तो बड़े दोस्तों को पता होगा कहाँ से होता है, बट सारे वीडियोस नहीं ना बनाते, इसलिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं आपको फ़ोन भी शो करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, पर उसके बाद कहाँ पे होगा वो भी बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, फ़ोन भी शो करवाता हूँ मैं आपको, ये देख लीजिए फ़ोन है, दोनों तीनों बटन दबा के रखे मैंने, जब स्विच ऑफ हो जाएगा उसके बाद ऑन ऑफ स्विच छोड़ दो, ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया मैंने, कनेक्ट हो गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये देख लीजिए हो गया ना, डन कर दिया ना इसने, तो अभी मैं ऑन करता हूँ तो फिर ही लॉक आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे से देख लेना आप, यहाँ पे जो ये अनलॉक टूल है ना, यहाँ पे हम कहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मुझे पता है पूरा, यहाँ पे फिर आ जाएगा MI अकाउंट, ऑन हो गया, वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। ये देख लीजिए थोड़ा सा मुझे दिख रहा था यहाँ पे हो गया, पर नहीं फिर आ गया, ठीक है। अब लास्ट बार ट्राई मारते हैं हम दूसरे पे, यहाँ पे देख लेना, पहले ऊपर वाले पे क्लिक किया, अब दूसरे पे क्लिक किया, अब 101% हो गया डिसेबल MI अकाउंट, याद रख लेना, तीनों बटन दबा के रखे मैंने, USB इन करके रखी है पहले से, स्विच ऑफ होएगा उसके बाद ऑन ऑफ स्विच छोड़ दो, ये देख लीजिए ऑन ऑफ स्विच छोड़ दिया फर्स्ट क्लास। अब 101% इसका क्या है, MI अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, रीलॉक बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया था क्योंकि साफ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे जाके आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर कोई भी फ़ोन आप MI अकाउंट रिमूव करते हो, वाईफाई फॉरगेट, वाईफाई बंद करके रखो, सिम मत डालो, अगर अनलॉक टूल नहीं है आपके पास, फिर ADB वाला खाता होता है ना, डिसेबल MI अकाउंट, फिर किसी भी फ्री वाले टूल से डिसेबल MI अकाउंट किया कर लो, फिर चाहे वाईफाई कनेक्ट कर लो या सिम डालो, नहीं है, ये मेरी गारंटी, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे फ़ोन कहीं पे रखा था, मैं टूल पे ध्यान दे रहा था और फ़ोन पे, तो मुझे उतना दिमाग में नहीं रहा, यहाँ पे सही नहीं आ रहा, वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ, रीलॉक नहीं आया। तो अभी मैं इसको कैमरे को सही करता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मैं कैमरे को सही कर रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। अब मैं आपको यूट्यूब भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, रिस्टार्ट करके भी दिखा दूँगा, ठीक है, सारा कुछ दिखा दूँगा। तो अब नहीं आएगा, आप ट्राई मार लेना, अब नहीं आएगा, ठीक है। जब डिसेबल आप कर लोगे ना, तो पहली बार ही आप क्या किया कर लो, जब भी MI अकाउंट जिसको FMI ऑन होता है ना, उसको डिसेबल MI अकाउंट किया कर लो। हाँ, याद रख लेना एक बात, इसमें क्या होता है, इंटरनेट कभी कभी इशू आ जाता है, तो आपने क्या करना है, एक बार हार्ड रिसेट मारना है फ़ोन को, ठीक है। जब ये कर लोगे ना MI अकाउंट, तो उसके बाद एक बार हार्ड रिसेट मार लेना याद से, तब जाके कस्टमर को दे देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।